गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको सभी को पता है कि हमारे देश में बाकी सभी कंट्रीज में कोरोना वायरस बहुत ज्यादा फैल चुका है, तो हम अपनी पढ़ाई का नुकसान बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसमें सभी फैकल्टीज आपको जो भी टॉपिक्स बचे हैं उन सबके ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स बताएगी, जिसे आपको सुनना है, अपने नोट्स बनाना है एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द बेस्ट। अभी तक हमने जितने भी सिलेबस पढ़ा था, मतलब जैसा कि हमने फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट हमारी कंप्लीट करी थी और हमने फोर्थ यूनिट स्टार्ट करी थी। फोर्थ और फिफ्थ यूनिट में हमारे पास जो था वो सीवेज का कलेक्शन है, सीवेज का कन्वेंस है, सीवेज का ट्रीटमेंट है, तो ये सारा हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से आज मैं जो एक टॉपिक आप सबको स्टार्ट करने जा रहा हूँ विच इज नोन एज कलेक्शन एंड कन्वेंस ऑफ सीवेज। कलेक्शन एंड कन्वेंस ऑफ सीवेज हम एक पीपीटी की मदद से पढ़ेंगे जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके क्लास में, बट फॉर अ क्विक रिविजन वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट। ओके, तो ये आता है मेरा कलेक्शन एंड कन्वेंस ऑफ सीवेज। मतलब मुझे क्या करना है, सीवेज को पूरा तरीके से कलेक्ट करना है, कन्वे करना है, ताकि उसका फाइनल डिस्पोजल हो सके। अगर मैं कलेक्शन और कन्वेंस पूरी प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सारी बीमारियों को इन्वाइट कर रहा हूँ। सो वी हैव टू ट्रीट दैट एट एनी कॉस्ट। तो सबसे पहले आता है हमारा कन्वेंस में टाइप्स ऑफ कलेक्शन। अब हमारे पास, हमने जैसा कि क्लास में डिस्कस करा था, हमारे पास दो टाइप के सिस्टम्स रहते हैं, एक कंजर्वेसी सिस्टम, एक रहता है वाटर कैरेज सिस्टम। कंजर्वेसी सिस्टम से एक टाइप का ऐसा सिस्टम है जो कि पूरी तरीके से ड्राई है। मतलब ड्राई मतलब हम क्या कर रहे हैं, इन सब चीजों को अलग से कलेक्ट कर रहे हैं। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, हम डस्टबिन वगैरह इंस्टॉल कर रहे हैं, हम प्रॉपर उसको एक जगह से दूसरी जगह कलेक्ट कर रहे हैं, हम उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करने के बाद हम उसको या तो लैंड से ट्रीट कर रहे हैं या फिर हम फाइनल डिस्पोज कर रहे हैं। उस टाइप के सिस्टम को हम कहते हैं कंजर्वेसी सिस्टम। सेकेंड टाइप का सिस्टम आता है मेरा वाटर कैरेज सिस्टम। वाटर कैरेज सिस्टम मतलब क्या, 99% पानी को मैं 1% सॉलिड के साथ मिक्स करके उस सीवेज को अपने पास से लेके जा रहा हूँ। इससे क्या हो रहा है, मेरे को लेबर वर्क कम हो रही है, मेरे को ह्यूमन एफर्ट्स कम हो रहा है, जितना भी काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, एज अ वाटर काम कर रहा है। तो आज इन दोनों टाइप के सिस्टम को हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, विच इज अ पार्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ सीवेज। सबसे पहले आता है कंजर्वेसी सिस्टम। कंजर्वेसी सिस्टम जैसे हमने थोड़ा सा रिकॉल करा था कि ये ऐसा टाइप का सिस्टम है जो कि 100 साल पुराना है। मतलब 100 साल पहले इन सब टेक्नोलॉजीज वगैरह को हम यूज करते थे। मतलब क्या कर रहे हैं, जितना भी वेस्ट वगैरह इकट्ठा हो रहा है उन सबको प्रॉपर डिस्पोज कर रहे हैं, प्रॉपर गार्बेज वगैरह में कलेक्ट कर रहे हैं, और फिर गार्बेज कलेक्ट करने के बाद हम उसको एक रेगुलर इंटरवल में ट्रांसफर कर रहे हैं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, जैसे ही आपका डस्टबिन भर जाता है, आप क्या करते हो, उसे बड़े वाले डस्टबिन में डाल देते हो जो कि रोड किनारे पहले के जमाने में होते थे। हर चौराहे चौराहे पे बड़े बड़े ड्रम्स वगैरह लग रहते थे जिसके अंदर हम हमारा घर का सारा वेस्ट वगैरह वहां पे जाके डालते थे। उस टाइप के सिस्टम को हम कहते हैं कंजर्वेसी सिस्टम। कंजर्वेसी सिस्टम बहुत सारे टाइप के वेस्ट को एक्यूमुलेट करता है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, सबसे पहले टाइप का जो वेस्ट चलता है वो होता है हमारा नाइट सॉइल। नाइट सॉइल जैसा कि आप पढ़ सकते हो, नाइट सॉइल और ह्यूमन एक्सक्रीटा एंड लैटरिंस प्रीवियस एंड सेसपूल्स व्हिच इज कलेक्टेड सेपरेटली इन पैंस और पेल्स एंड कैरीड ऑन हेड्स ऑफ स्वीपर्स टू अ सेंट्रल प्लेस। सारा काम कितना कौन कर रहा है, स्वीपर्स कर रहे हैं, सेपरेटली कलेक्ट कर रहे हैं और उनको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ बुलक कार्ट और आइदर इन द फॉर्म ऑफ मोटर वेन्स। कहाँ पर लेके जाना है, जहाँ पे हम इसको फाइनली डिस्पोज ऑफ करेंगे। डिस्पोज ऑफ करने के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा घर से जो वेस्ट निकलता है, जो नाइट सॉइल निकलती है, ये एक्सीलेंट मैन्यूअर्स ऑफ फर्टिलाइजर्स होती है, आज नहीं आज के कुछ समय बाद। तो हमें क्या करना है, इसे आइदर बुरीड करना है और आइदर इन्हें डिग्रेड करना है। तो जिससे क्या होगा, हमें एक या दो साल बाद हमको एक्सीलेंट मैन्यूअर्स और फर्टिलाइजर्स मिलेगी, जिससे कि हम सेल भी कर सकते हैं या फिर हम हमारे एग्रीकल्चर पर्पस में यूज भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला टाइप का वेस्ट विच इज नोन एज नाइट सॉइल। अब हमारा सेकेंड टाइप का वेस्ट जो कि गार्बेज है। गार्बेज क्या हो रहा है, हमारा जो घर से सूखा कचरा निकल रहा है, मे बी इन द फॉर्म ऑफ पॉलिथीन, मे बी इन द फॉर्म ऑफ पेपर्स, हम उन्हें क्या कर रहे हैं, प्रॉपर डस्टबिन वगैरह में रख रहे हैं, बुलक कार्ट्स वगैरह में डाल रहे हैं और उसे हम ट्रांसफर करते जा रहे हैं। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करेगी। मतलब अगर आपके घर का जो वेस्ट निकल रहा है वो ज्यादा निकल रहा है, तो आपको एक बार से ज्यादा अपने घर से इस वेस्ट को कैरी आउट करना पड़ेगा। बट अगर आपकी वेस्ट की क्वांटिटी कम है, तो आप मे बी इन द फॉर्म ऑफ टू और थ्री टाइम्स इसे मल्टीपल्स कर सकते हैं और फिर इसे डंप कर देंगे और इसे ट्रीट करेंगे बाय एनी अदर सूटेबल मेथड। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तीसरा टाइप का आता है सुलेज एंड स्टॉर्म वाटर। सलेज मतलब क्या होता है, जितना भी हमारे पास सीवेज निकल रहा है, सीवेज मतलब इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट वाटर, एंड स्टॉर्म वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ रेन वाटर। तो जितना भी हमारे पास गंदा पानी और साफ पानी निकल रहा है, हम ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करेंगे कि इन्हें सेपरेटली करें। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास स्टॉर्म वाटर रहेगा तो मैं क्या करूंगा, इस पानी को कम ही मेहनत पे ट्रीट करके इसे मे बी इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर और मे बी इन द फॉर्म ऑफ ड्रिंकिंग यूज कर सकता हूँ। बट अगर मैंने इसके अंदर सलेज मिला दिया, मतलब अगर मैंने इसके अंदर वेस्ट वाटर मिला दिया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाटर को ट्रीट करने के लिए ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, कॉस्ट फैक्टर्स ज्यादा बढ़ जाएगा,
कॉस्ट फैक्टर ज्यादा बढ़ जाने के कारण मैं इस पानी को कहीं ना कहीं सिर्फ एग्रीकल्चरल या फिर पेड़ पौधों के लिए ही यूज कर पाऊंगा. सो वॉट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक इट एज अ सेपरेट पाइपलाइन एज मेक इट एज पॉसिबल. नेक्स्ट आता है हमारे पास, अभी तक तो हमने वो देख लिया था क्या कौन कौन से टाइप्स के होते हैं. अब हमारे पास आते हैं डिसएडवांटेजेस. क्यों? क्योंकि इस मेथड के बहुत ही कम एडवांटेजेस है, बहुत ही कम एडवांटेज है. एडवांटेज ये क्या है कि हम सिर्फ इसको प्रॉपरली इसे ट्रीट कर पा रहे हैं, मतलब प्रॉपरली इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा पा रहे हैं, वो तो हमारे पास हर मेथड करते ही है. बट इसके डिसएडवांटेजेस बहुत ही ज्यादा है. डिसएडवांटेजेस मतलब क्या है, जब हम एक जगह से इसको दूसरी जगह लेके जा रहे हैं तो ये हमारी हेल्थ पे कहीं ना कहीं जाके इशू क्रिएट कर सकता है. क्यों? क्योंकि जैसे हमने इसको डिस्पोज ऑफ करा, डिस्पोज ऑफ करने के बाद तुरंत हम इसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं करते, हमको टाइम लगता है. मे बी इन द फॉर्म ऑफ 3 घंटे 4 घंटे या 5 घंटे बाद हम इसको ट्रांसफर करते. तब तक क्या होता है, अगर हमने इसके अंदर कुछ गीला कचरा वगैरह डाल रखा है तो ये क्या होगा, धीरे धीरे सड़ना स्टार्ट होगा. सड़ना स्टार्ट होगा तो ये ऑर्डर क्रिएट करेगा, ऑर्डर मतलब बदबू क्रिएट करेगा. अब जब इसने एक बार बदबू क्रिएट करना स्टार्ट कर दी तो ये क्या करेगा, पूरी तरीके से हमारी हेल्थ को अफेक्ट करेगा. तो हमें क्या करना है, इस मेथड को कम से कम एडॉप्ट करना है. ठीक है, सेकेंड हमारे पास आता है ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेक्ट. ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेक्ट में क्या होगा, अब जब हम इस मेथड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं तो हमको ट्रांसपोर्टेशन भी देना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि हमारे पास वाटर केयर सिस्टम में तो क्या होता है, हम पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जा पाते हैं बिना किसी मदद के. अब ट्रांसपोर्टेशन में क्या करना है, आपको खुद को ही बुलेट कार्ट या इन द फॉर्म ऑफ मोटर व्हीकल इसको लेके जाना है एक ऐसी जगह जो कि सिटी से काफी दूर. क्यों? क्योंकि हम ट्रीट कहाँ करेंगे, सिटी से काफी दूरी पर. थर्ड, लेबर एक्सपेक्ट. अब मुझे क्या हो रहा है, लेबर की भी डिमांड लग रही है. क्यों? क्योंकि ये सारा काम जो कर रहा है वो सिर्फ लेबर ही कर रहा है, स्वीपर्स ही कर रहे हैं. आपने देखा होगा कि आज हमारे इंदौर में सुबह सुबह रोज लेबर्स हमारा स्वीपर्स की तरह काम करती है. वो क्या करती है, सारे डर्ट पार्टिकल, सारे धूल मिट्टी, इन सब चीजों को रिमूव करती है ताकि हमारी सिटी क्लीन रह सके. वैसे ये चीज जो है वो एंटायरली डिफरेंट है. यहाँ पे हमको क्या करना है, सिर्फ सीवेज को, मतलब हमारा जो वेस्ट निकल रहा है उसको ट्रीट करना है, उसको लेकर जाना है. सो क्लीनलीनेस एंड सीवेज ट्रीटमेंट इज एंटायरली डिफरेंट. तो हमको क्या करना है, लेबर की इसमें रिक्वायरमेंट लग रही है, अननेसेसरी हमारी लेबर्स की रिक्वायरमेंट लग रही है, तो हमको इसको कहीं ना कहीं जाके मिनिमाइज करना है. फोर्थ आता है बिल्डिंग डिजाइन एक्सपेक्ट. अब अगर मैं कुछ भी डिजाइन वगैरह करूँ, जैसे अगर मुझे कुछ सिटीज वगैरह डेवलप करनी है, मुझे कुछ प्रोडक्शन वगैरह करना है, तो मैं उस जगह पे अपना ट्रीटमेंट प्लांट को नहीं ले जा सकता, मतलब उस जगह पे अपना सीवेज थ्रो नहीं कर सकता. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सीवेज को इतनी दूर लेके जाना पड़ेगा ताकि वो हमारे पास आसपास जितने भी लोग रहते हैं उन सब लोगों के लिए बीमारी का कारण ना बने. जैसा कि इसमें लिखा है, द लेबोरेटरीज और प्रीवियस आर टू बी लोकेटेड आउटसाइड द हाउस एंड स्लाइटली अवे फ्रॉम द मेन बिल्डिंग. द कॉम्पैक्ट डिजाइन इज देयरफॉर नॉट पॉसिबल. ऐसा नहीं हो सकता कि हम सीवेज के ट्रीटमेंट प्लांट को बहुत छोटा से छोटा बनाने की कोशिश करें. क्यों? आज हमने अगर इसको छोटा बना दिया तो हो सकता है कुछ सालों बाद हमारे पास सीवेज का लोड बढ़ जाए. क्यों बढ़ जाए? क्योंकि हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है. जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं. जब यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बढ़ता जाएगा तो ट्रीटमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज आल्सो टू बी गोइंग टू इंक्रीज. अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कंडीशंस ऑफ ड्रेन्स. अब बहुत सी बार क्या होता है, हम सूखा कचरा नालियों वगैरह में डाल देते हैं. नाली में सब सूखा कचरा वगैरह डाल देंगे तो उसके कारण क्या होगा, ब्लॉकेज होगा. उस ब्लॉकेज को रोकने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरे पास वाटर कैरेज सिस्टम है तो वाटर कैरेज सिस्टम क्या होगा, सारे पानी के फ्लो को अपने साथ लेकर चले जाएगा. सारे फ्लो को अपने साथ ले जाएगा तो मेरा वहां पे कुछ भी ब्लॉकेज नहीं होगा और जो मेरा रेगुलर इंटरवल चल रहा है वो एज इट इज चलता रहेगा. फिर आता है ह्यूमन एक्सपेक्ट. ह्यूमन एक्सपेक्ट मतलब आज हमारे पास नई से नई टेक्नोलॉजीज आ गई है. नई से नई टेक्नोलॉजीज आ गई, वो क्या कर रही है, हमारे सारे आसान काम को आसान कर रही है, मतलब सारे वेस्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रही है. तो हमको भी इसी टेक्नोलॉजी के साथ साथ आगे बढ़ना है. नेक्स्ट आता है रिस्क ऑफ एपिडेमिक. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अगर हमने थोड़ी सी भी सावधानी नहीं बरती, अगर हमने थोड़ी सी भी केयरलेसनेस कर दी तो हमारे साथ क्या होगा, हमारा जितना भी वेस्ट है वो हम पर ही नुकसान करेगा, हमें ही बीमारियों का कारण बनाएगा. और हमारे कारण अगर बीमारी हो रही तो ये बीमारी बहुत ज्यादा फैलेगी, जैसा कि अभी कोरोना वायरस के कारण. यू आर ऑल अवेयर ऑफ दैट. पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स आल्सो होगी, जैसे लिक्विड वेस्ट जो अभी हमारी लैबोरेटरीज वगैरह से निकल रहा है, जैसे वॉशिंग हो गया, सोक हो गया ग्राउंड में, सब सॉइल को कंटामिनेट कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का कारण भी बन रहा है. अब हमने जैसे कुछ वेस्ट को ऐसे छोड़ दिया,
वेस को छोड़ दिया, मतलब ऐसे ओपन गटर्स में छोड़ दिया, तो वेस क्या होगा, 3-4 घंटे बाद डिग्रेड होगा। डिग्रेड होगा तो उसके अंदर से ऑर्डर्स आएगी, ये ऑर्डर्स आसपास रहने वाले को सभी को पॉल्यूशन का कारण बनेगी, और ये पॉल्यूशन का अगर कारण बनी तो ये हमारी फसलें वगैरह को भी नुकसान करेगी। क्यों? क्योंकि हमारी जमीन के अंदर ये वेस्ट परकुलेट होता जा रहा है। कॉस्ट कंसिडरेशन इज ऑल्सो दी कॉस्ट कंसिडरेशन, ये टाइप का सिस्टम बहुत जो है बहुत ही ज्यादा चीप है, शुरू में करना आसान है, हमको क्या करना है, सिर्फ डस्टबिन वगैरह इंस्टॉल करना है, बट कुछ समय बाद इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि लेबर कॉस्ट बढ़ रही है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रही है, डिग्रेडिंग कॉस्ट बढ़ रही है, डिग्रेडेशन कॉस्ट बढ़ रही है, तो ये सारी जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज्यादा बाद में बढ़ सकती है। नेक्स्ट, डिस्पोजल लैंड रिक्वायरमेंट। अब आज हमारे पास वेस्ट की क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा कम है, तो मुझे क्या करना रहेगा, बहुत आसानी से उस वेस्ट को मैं ट्रीट कर सकता हूँ। बट अगर मेरी क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मुझे डिस्पोज करने के लिए ज्यादा जगह चाहिए, तो आज इतनी महंगाई के जमाने में हमारे पास इतनी लैंड की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये टाइप का सिस्टम जो है वो ज्यादा लैंड को कंसिडर कर रहा है। तो ये हमने अभी तक पढ़ा हमारा कंजर्वेसी सिस्टम। अब हमारे पास नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा वाटर कैरेज सिस्टम। वाटर कैरेज सिस्टम एक टाइप का सिस्टम है जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, सारा काम पानी कर रहा है, कलेक्शन भी पानी कर रहा है, कन्वे भी कर रहा है और डिस्पोज भी कर रहा है। मतलब इसमें कोई भी ह्यूमन एफर्ट्स को अपन को मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा था, इसमें डायल्यूशन बहुत ज्यादा रहता है वाटर का, जिसका परसेंटेज जो रहता है वो अप्रोक्सीमेटली रहता है 99% ऑफ वाटर एंड 1% ऑफ ओनली सीवेज। Thus, water is used as a medium to convey the waste from its point of production to the point of treatment or final disposal. मतलब पानी एक ऐसा साधन है जो कि एक सोर्स से आके दूसरे सोर्स तक लेके जाएगा। इसमें आपको कुछ भी ह्यूमन एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है। अब इसके फायदे बहुत सारे, इसके डिसएडवांटेजेस भी है, बट हमने जो पढ़ा था कंजर्वेटिव सिस्टम उसके फायदे बहुत कम थे। अब इसमें फायदे इसलिए ज्यादा है क्योंकि पानी खुद ही लेकर जा रहा है, इसमें ह्यूमन एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है। जैसे एक कोई सोर्स है ए और ये मेरा ट्रीटमेंट प्लांट है बी, अब मुझे क्या करना है, ए से बी तक उसको लेके जाना है, तो मैंने क्या करा, क्लोज पाइपलाइन डाल दी और जितना भी सीवेज था उसको पानी के साथ मिक्स कर दिया, तो पानी क्या करेगा, ए से लेके बी तक अपने आप खुद ही लेकर जाएगा, इसमें मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक तरीके से हमारे लिए हाइजीन है और सैनिटरी भी है। मतलब द सिस्टम इज वेरी हाइजेनिक सिंस द नाइट सॉइल एंड अदर वेस्ट इज कन्वेड थ्रू द क्लोज कंड्यूट्स। कंड्यूट मींस इन द फॉर्म ऑफ पाइप्स which are not directly exposed to the atmosphere, thus no bad smell because of continuous flow. अगर flow कहीं पे किसी कारण से रुकता है तो वो हमारे लिए बदबू का कारण बनेगा। Second, epidemic aspect. अब जब flow कहीं पे रुक ही नहीं रहा है, अब जब हमारे पास बदबू कहीं से निकल ही नहीं रही है, तो ये हमारे लिए किसी भी कारण से नुकसान नहीं बनेगा। Means there are no chances of outbreak of epidemic because flies and other insects do not have direct access to the sewage. अब आप देखो कि बारिश के सीजन में क्या रहता है, बहुत सारी जगह पानी इकट्ठा हो जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसके कारण मॉस्किटोज वगैरह का बर्थ होता है, मॉस्किटोज का बर्थ होता है तो ये हमारे लिए एक बीमारी का नुकसान रहता है। बट हम जब सीवेज को लेके जा रहे हैं तो क्लोज कॉन्ड्यूट्स की मदद से लेके जा रहे हैं, क्लोज पाइपलाइन की मदद से लेके जा रहे हैं। जब क्लोज पाइपलाइन की मदद से लेके जाएंगे तो हमारे लिए कोई भी बीमारी का साधन नहीं बनेगा। थर्ड, पॉल्यूशन भी कम से कम होगा। पॉल्यूशन एक्सपर्ट मतलब पॉल्यूशन को हम कहीं ना कहीं जाके मिनिमाइज करेंगे, हमारे ग्राउंड वाटर को हम बचाएंगे। ग्राउंड वाटर को कैसे, जैसे हमारे पास जमीन में नीचे पानी है, अब अगर मैं वेस्ट जमीन पे से लेके जा रहा हूँ, जब मैं वेस्ट जमीन पे से लेके जाऊंगा तो वेस्ट के जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो धीरे 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 जमीन में परकुलेट होंगे और वो हमारे ग्राउंड वाटर के साथ मिक्स होंगे। अब क्या हो रहा है, वेस्ट और वाटर दोनों तरीके से हमारा मिक्स हो रहा था इसमें कंजर्वेसी सिस्टम में, बट हमने यहाँ क्या करा, यहाँ पे हमने पाइपलाइंस बिछा दी, पाइपलाइंस बिछा दी तो सारा पानी उसमें से जा रहा है, सारा वेस्ट उसमें से जा रहा है, तो हमारे ग्राउंड वाटर को किसी तरीके से कोई नुकसान नहीं हो रहा है। The liquid waste are directly conveyed through the sewers and therefore there are no changes of the wastewater being soaked in the ground, thus contaminating the soil. इससे हमारी soil की properties भी improve हो रही है। Improve मतलब क्या? खराब नहीं हो रही है। Next, compactness in design. Since the latrines are flushed after every use, excreta does not remain and there are no foul smells. Thus, it can be attached to the livings and bedrooms. मतलब हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप के सिस्टम को हमारे लिविंग रूम और बेडरूम के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आज के जमाने में हमारे घर के साथ बाथरूम का जो भी पाइपलाइन है वो सीधे क्लोज कॉन्ड्यूट्स के साथ मिल रहा है, सीधे गटर की पाइपलाइंस या फिर क्लोज पाइपलाइंस के साथ मिल रहा है, जिससे कि क्या हो रहा है, हम डायरेक्ट फ्लश करेंगे तो हमारा जितना भी ह्यूमन एक्सक्रीटा का जो वेस्ट है वो डायरेक्टली हमारे घर से निकल के सीधे प्लांट के तक पहुंचने की उसके पास क्षमता रहेगी। बट अगर हमारे पास कंजर्वेसी सिस्टम रहता तो हमें क्या करना पड़ता, पुरानी टेक्निक्स के हिसाब से अलग अलग जगह जाना पड़ता और हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटा वेस्ट को ट्रीट करना पड़ता या डिग्रेड करना पड़ता। लेबर एस्पेक्ट,
अब जब सारी चीजें पानी खुद ही कर रहा है, पाइपलाइन खुद ही लेके जा रहा है, तो अब हमारे को लेबर की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो लेबर और मेंटेनेंस हमारे पास इसमें बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। बट लेबर हमको कुछ समय पे लगेगी, कब, जब हम मुझे सीवेज को एक चढ़ाई से दूसरी चढ़ाई लेके जाना है। मींस इन केस ऑफ अगर मेरा पानी, अगर मेरा सीवेज ग्रेविटी के थ्रू नहीं जा रहा है, तो मुझे उस केस में पंपिंग करनी पड़ेगी, उस केस में आपको थोड़े बहुत लेबर की रिक्वायरमेंट आएगी। ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट, द सिस्टम परमिट्स द यूज ऑफ मॉडर्न मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज कलेक्टेड फ्रॉम द सीवर्स, द ट्रीटेड वेस्ट वाटर कैन बी सेफली डिस्पोज ऑफ विदाउट एनी रिस्क। अब क्या हो रहा है, अब आपको पानी की मदद है, पानी की मदद है तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा। क्यों? क्योंकि हमने वाटर में जैसे ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में पढ़ा था, वैसे हम इसके बारे में भी देख सकते हैं। जब हमारे पास पानी की क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा रहेगी, तो हमको उसको ट्रीट करना बहुत ही ज्यादा आसान रहेगा एज कम्पेयर विद द कंजर्वेशन सिस्टम। कंजर्वेशन सिस्टम में क्या था, सारा मटेरियल जो था वो एकदम सूखा था, सूखा था, तो मुझे उसे लैंड के साथ ही डिस्पोज ऑफ करने का एक चारा बच रहा था। बट यहाँ पे मैं अलग अलग टेक्निक की मदद से उसको ट्रीट कर सकता हूँ। लैंड डिस्पोजल रिक्वायरमेंट, because of the land treatment facilities, the land requirement for the disposal of the treated wastewater is much smaller than the conservancy system. treatment jab ho pa raha hai to land ki requirement bhi kam aayegi. kyun? kyunki hum kya kar sakte hain, alag alag unit install kar do to humko fatafat hamara treatment ho jayega. next, iski initial cost to bahut hi zyada high hai, but running cost bahut hi zyada kam hai. kyun? kyunki aapka jo kharcha aayega wo ek hi bar aayega sare pipes wagera install karne ke liye. jaise aapne sare pipes wagera install kar diye, to aapka sara waste jo hai wo ek jagah se dusri jagah bahut easily kaam kar payega. but agar main us case ki baat karu conservation system ki, to usme manual work bahut zyada lagti thi, isme manual work bahut zyada kam hai. ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर कैरेज सिस्टम, कि हम वाटर कैरेज सिस्टम को कैसे ले जा सकते हैं, कौन सी पाइपलाइंस डिजाइन कर सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे आगे वाली नेक्स्ट क्लास में. ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग.